महात्मा गांधी की स्वदेशी भावनाओं से प्रेरित होकर भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न शहरों में खादी ग्राम उद्योग के स्टोर मौजूद हैं, जो भारत खादी संघ द्वारा संचालित किए जाते हैं। हाल फिलहाल 15 अगस्त आने वाली है और लोग यहां से खादी से निर्मित तिरंगे खरीद रहे हैं, जो केवल इन्हीं स्टोर्स पर उपलब्ध होते हैं। मेरा नाम जो है गयाधीन मोदी है। ये मध्यवा खादी संघ की खादी जगत की सबसे बड़ी संस्था है मध्य प्रदेश की जो है, और अपने राष्ट्रीय ध्वज मात पूरे हिंदुस्तान में 3 जगह बनते हुए हैं। नंबर 1 एमपी में ग्वालियर हेड ऑफिस है जीवाजीगंज में, नंबर 2 हुबली कर्नाटक, नंबर 3 बॉम्बे, चौथी जगह लाइसेंस नहीं है। खादी के कोई झंडे और बनाने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी को लाइसेंस नहीं है। ये जो है पिछले पंद्रह अगस्त में सबसे नंबर 1 रहा है इंदौर का जो है सेंटर खादी का झंडे बिक्री में, और इसका पूरे मध्य प्रदेश में ब्रांचे हैं। सभी जगह इसके जो है झंडे उत्पादन हो रहे हैं और सभी जगह इसके सेल हो रहे हैं, जैसे आपका यूपी एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ हिमाचल गुजरात सभी जगह झंडे जाते हैं, करोड़ों रुपए के झंडे बिकते हैं। और ये सब खादी के उत्पादन चरखे का कता हुआ धागा रहता है, पूरा हाथ कता हाथ बुना हुआ कपड़ा उसी के बनाए जाते हैं, और ये इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को रोजगार देना, छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे आप कोई कताई कर रहा है, कोई बुनाई कर रहा है, कोई इसको धुलाई कर रहा है, तो इससे लोगों को जो है रोजगार देने का मुख्य उद्देश्य है। ये पूरा जो है खादी ग्रामोद्योग भारत सरकार के अधीन है, और ये मध्यवास संस्था ग्वालियर की है, इसकी सभी ब्रांचेज जो है सभी जगह है, इसलिए 15 अगस्त में नंबर 1 रहा झंडा बिक्री में जो है। और सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में जो खादी के झंडे तिरंगे फहराए जाते हैं, ये उसका जो है एक अपने संविधान में लाइन पड़ी हुई है, इसकी एक साइज होती है, उस मानक के अनुसार ही ये बनाए जाते हैं। इसके कलर वगैरह सब को देखते हुए इसकी साइज के अनुसार जो है 1 इंची छोटा बड़ा नहीं हुआ, इसके विभिन्न साइज होते हैं। सबसे छोटा तिरंगा अपना 200 रुपये से स्टार्ट होता है और इसका लास्ट जो है 2000 रुपये तक का है। इसमें विभिन्न साइज आती है, 320 रुपये, 590 रुपये, 850 रुपये, 1600 रुपये, 2200 रुपये, 6000 रुपये, 9000 रुपये तक का ये झंडा रहता है। आपको बता दें, जब खादी ग्राम उद्योग से तिरंगा खरीदा जाता है तो खरीदने वाले को गाइडलाइंस भी दी जाती है, जिसमें पुराने तिरंगे को किस तरह से डिस्पोज करें ताकि उसका अनादर ना हो, साथ ही कैसे तिरंगे को फहराएं। अगर तिरंगा खराब है या फट चुका है तो उसे ना फहराने की भी गाइडलाइंस यहां पर दी जाती है, ताकि देश के तिरंगे की आबरू को बरकरार रखा जा सके। जो भी हमारे पास कस्टमर आते हैं झंडे के, तो ये तो अपना जो है खादी का झंडा और ये सबको मालूम है और अपनी लाइन संविधान में है खादी का होना चाहिए, पर हम उनको ये भी बताते हैं कि पुराने झंडे का क्या करना चाहिए। कोई भी फटा छेद वाला झंडा, वैसे गंदा झंडा कभी नहीं फहराया जाता, उसको बाकायदे घड़ी करके उसको जो है रख दिया जाता है, या तो आप अलमारी में रख दीजिए या धारावाहिक पानी में गड्ढा खोद के उसमें अपन उसको रख सकते हैं, बाकी उस झंडे का कोई ये दुरुपयोग ना हो। ये झंडे का सबको हम बताते हैं कि झंडे की जो है अपन को हर तरह से उसकी जो है उसके नियम के उसको फॉलो करना है, जिसका उसको अपमान ना हो झंडे का। तो जब भी अगर पुराना हो या गंदा हो या फट जाए तो उसको तो कभी उपयोग में नहीं लेना चाहिए, उसकी जगह दूसरा झंडा खरीद के और आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये पुराने को स्टॉक में रख दीजिए, अलमारी में घड़ी करके कहीं भी जो है, और लेकिन कभी भी फैलाने का प्रयास न करें, और उसका समय अनुसार सूरज से पहले उतर जाना चाहिए जो भी है, और जो भी उसके नियम है बिल्कुल पूरे पूरे सबको समझाते हैं किस तरह अपन को फैलाना है। केसरिया ऊपर रहता है, कई लोग क्या है तो नहीं समझ पाते किस तरह फैलाना है, कलर कौन सा होता है, हम बाकायदा उनको बताते हैं केसरिया कलर अपने ऊपर रहता है, हरा कलर नीचे रहता है, और साइज के अनुसार मुताबिक जो है बिल्डिंग है बड़ी बिल्डिंग है उसकी साइज के अनुसार उनको समझा करके देते हैं किस तरह अपन को जो है वो कहाँ पर जो है फहराना है, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, और नष्टीकरण के लिए सब जो है रख रखाव का पूरा सभी को बताते हैं अपन।